एग्जिट पोल के परिणाम से महागठबंधन में खुशी की लहर, आगे की प्लानिंग को लेकर तैयारियां तेज। 10 नवंबर को होगी मतगणना, इससे पहले कल तेजस्वी मनाएंगे अपना जन्मदिन। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया संदेश, बोले जनता मनाएगी जीत का जश्न, पार्टी के नेताओं को सादगी की सलाह। अपनी जीत को समर्पित कर दो उस आम जन जो तकलीफों में जिम्मेवारी देने का मन बनाया है, उम्मीदवार के रूप में विधायक को और सरकार के रूप में तेजस्वी को। बिहार में सरकार बनने की सुगबुगाहट के बीच एक्टिव हुई कांग्रेस, पटना में चल रहा है मंथन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे पटना, एनडीए पर साधा निशाना। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है, एक थकी हारी ऐसी सरकार भाजपा और जदयू की जिसने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर समन्वय समिति की बैठक, आगे की रणनीति को लेकर हो रही है चर्चा। एग्जिट पोल का एनडीए पर भी दिखा साफ असर, पटना में बीजेपी के दफ्तर मुख्यमंत्री के घर के बाहर पसरा पड़ा है सन्नाटा। एग्जिट पोल पर जीतनराम मांझी का बयान, कहा वास्तविकता से एग्जिट पोल का कोई लेना देना नहीं। नई सरकार के कबाल संभालने से पहले दहला बिहार, तीन तीन हत्याओं से लोगों में दहशत। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने अवरुद्ध होटल कर्मचारी की हत्या की, वैशाली में मिला शव, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, सड़क कर दी जाम। बदमाशों ने अपहरण के बाद होटल कर्मचारी की पत्नी को फोन करके दी हत्या की जानकारी, तीन दिन पहले किया था इसका अपहरण। पटना में पूर्व मुखिया की हत्या, दुल्हन बाजार इलाके में अपराधियों ने मार दी गोली। बिहार के सिवान में एक शख्स की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी, मार दी गोली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, 93 साल के हुए आडवाणी, मोदी और अमित शाह ने दी बधाई। आडवाणी के घर पर पहुंचे पीएम मोदी और अमित शाह, आडवाणी ने मोदी और बेटी के साथ काटा केक। पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को खिलाया केक, बाद में देर तक दोनों के बीच हुई बातचीत। पीएम मोदी ने गुजरात में रूरो पैक्स फेरी सर्विस का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। सूरत से सौराष्ट्र के बीच फेरी सर्विस का मिला तोहफा, तिरंगे के रंग में रोशनी में नहाया फेरी का पहला जहाज। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर दिल्ली में एनएसयूआई ने किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। वो सरकार बदलनी निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। प्लेकार्ड के साथ जुड़े एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से हुई धक्का मुक्की, नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर देश भर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, नोटबंदी से कालेधन पर कसा हमने शिकंजा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की अगुवाई में बीजेपी महासचिवों की बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा। दिवाली में पटाखों को लेकर हरियाणा सरकार ने दी राहत, 2 घंटे बचा पटाखे छुड़ाने की छूट। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद खोलेंगे मंदिर, उद्धव सरकार ने लिया फैसला। सीएम उद्धव ठाकरे की पटाखा फोड़ने से बचने की अपील, प्रदूषण में कोरोना मरीजों को होती है परेशानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के तिरंगे वाले टिप्पणी से किया किनारा, कहा हम सिर्फ गुपकार एजेंडे पर करेंगे काम। पीएम मोदी वाराणसी को दीपावली से पहले देंगे 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, कल वर्चुअल तरीके से 19 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पंजाब में मालगाड़ी सेवा बंद करने को लेकर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा जल्द समस्या का निकलेगा हल। कैप्टन बोले पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं कोई खतरा, रेलवे ट्रैक में किसानों के प्रदर्शन के बाद मालगाड़ी सेवा बंद करने का लिया गया है फैसला। मसूरी दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी, स्थानीय कांग्रेस नेताओं से नहीं मिली। रांची में नोटबंदी के 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सिरसा में जनता भवन के बाहर किसानों का सम्मेलन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की नाकाम घुसपैठ की कोशिश, लेकिन हमारे 3 जवान हुए शहीद।
शहीद हुए जवानों में 2 सेना के जवान और 1 बीएसएफ का जवान शामिल। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने छापे मारे। मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज नाडियादवाला के घर पर छापा, ड्रग्स बरामद। फिरोज की पत्नी को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, दफ्तर में बुलाकर की पूछताछ। छापे के दौरान घर पर नहीं थे फिरोज नाडियादवाला, एनसीबी ने भेज दिया है समन। ड्रग्स केस में मुंबई में कल से जारी है एनसीबी के छापे, ताबड़तोड़ कार्रवाई करके 5 को गिरफ्तार किया। एनसीबी की टीम ने छापेमारी के दौरान कल भारी मात्रा में मैरिजुआना और एमडी ड्रग्स बरामद की थी। हमारे देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 559 लोगों की अब तक गई जान। देश में अब तक कोरोना के 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 78,68,000 से ज्यादा लोगों ने जंग जीती है, सभी हो गए ठीक। हमारे देश में अभी भी कोरोना के 5,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, तो राष्ट्रपति ने दिलाई उन्हें शपथ। सेना के साथ उदय माहुरकर बने भारत के सूचना आयुक्त, तो इंडिया टुडे ग्रुप से लंबे समय तक जुड़े रहे उदय माहुरकर। इंस्टीट्यूशन का जो उद्देश्य है वो है ट्रांसपेरेंसी लाना, सो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट इसको और गहराई से डिफाइन करने की आवश्यकता है, जिसके ओर हम लोग काम करेंगे। ये इंस्टीट्यूशन का जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी झील पर बने झूला पुल का किया उद्घाटन, ये देश का सबसे बड़ा झूला होगा। दरभंगा में लंबे इंतजार के बाद आज से शुरू हुई हवाई सेवा, दरभंगा से 3 बड़े शहर दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के लिए रोज उड़ाने। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति पद की रेस, ट्रंप को बड़े अंतर से हरा दिया। जो बाइडेन को मिले 290 इलेक्ट्रल वोट जबकि ट्रंप के हिस्से में आए 214। जीत के बाद बोले बाइडेन, देश ने मुझ पर किया भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश। बाइडेन ने कहा सबको साथ लेकर चलूंगा, जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी अमेरिका की उपराष्ट्रपति, 14 दिसंबर को इलेक्ट्रेट्स करेंगे चुनाव। जीत के फौरन बाद उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने जो बाइडेन को दी बधाई, कहा हमने कर दिखाया। बाइडेन की जीत पर ट्रंप का ट्वीट, बाइडेन की जीत तो खलक। जो बाइडेन ने बदली अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल, सीनेटर की जगह लिखा निर्वाचित राष्ट्रपति। बाइडेन को पीएम मोदी ने दी बधाई, संदेश में लिखा भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने भी दी बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गन पॉइंट पर महिला से गैंगरेप, एसपी से गुहार के बाद मामला दर्ज। कगड़िया में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जला ट्रक। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा के बाहर बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, 18,000 से ज्यादा नशीली गोलियों के साथ तस्कर भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 3 शादी चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, पुलिस को कई मामलों में इन तीनों की थी तलाश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कथावाचक धर्मेंद्र दुबे उर्फ धर्मदास के आश्रम पर बुलडोजर, जेल में बंद है कथावाचक। कानपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग, लाखों का नुकसान। पीलीभीत में एक दिन पहले गायब हुई बच्चे का मिला शव, रेप के बाद हत्या। गाजियाबाद के कविनगर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, कार में सवार 5 में से 1 की मौत, 4 घायल। सीतामढ़ी में शव रखकर लोगों ने किया चक्का जाम, 5 नवंबर को हत्या के बाद अब तक गिरफ्तारी ना होने से नाराज। गया में पुलिस की बड़ी सफलता, छापेमारी में 20,00,000 टन गांजा बरामद।
अलीगढ़ में खनन माफिया के गुर्गे ने की पुलिसकर्मी की हत्या, खनन माफिया के गुर्गियों को पकड़ने गया था पुलिसकर्मी। सूरत में मास्क बेचने के नाम पर कपड़ा व्यापारी से 48 लाख रुपए की ठगी, एक हरियाणा से गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को चूना लगाने वाले 3 गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस ने किया अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में गोकशी करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों को लगी गोली। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का टायर फटने से हादसा, 2 की मौत, 3 घायल। राजस्थान के दौसा में घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट, गहने कैश सामान लेकर फरार हुए लुटेरे। बागेश्वर में नहीं थम रहा जंगलों की आग का सिलसिला, नीलेश्वर और तिलसरी में भीषण आग। केमिकल लेकर गाजियाबाद से मुरैना जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। शिलांग में खड़ी बोलेरो में भीषण आग, कार जलकर हुई खाक। ललितपुर में सांड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, एक घर के छत पर चढ़ गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने निकाली आतंकवाद की शव यात्रा, लव जिहाद पर नारेबाजी। कानपुर में चाइनीज सामानों का विरोध, बच्चों ने चाइनीज सामानों को जलाकर इस्तेमाल ना करने की खाई सौगंध। मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी तादाद में युवाओं ने की शिरकत। फरीदाबाद में निकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसभा, आरोपियों को जल्द सख्त सजा देने की मांग। झारखंड के गढ़वा में अजगरों ने मचाई ग्रामीणों में दहशत, आए दिन इलाके में दिख रहे हैं अजगर। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने कई जेसीबी मशीनों से ढहा दिया पूरा निर्माण। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूद कर मुश्किल से बचाई अपनी जान। लखनऊ में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, 2 फरार। मध्य प्रदेश के शिवपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू से हमला कर घायल किया, 3 बदमाशों की पुलिस कर रही है तलाश। कानपुर में सीएमओ ने 3 अस्पतालों को किया सील, मानक पर खड़े नहीं उतरे थे ये अस्पताल। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता। आईपीएल में फाइनल में एंट्री के लिए जंग जारी, दिल्ली और हैदराबाद के बीच काटे की टक्कर। दिल्ली की शानदार शुरुआत, पहले विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी। शिखर धवन ने जोड़ा अर्धशतक, बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है दिल्ली। जीतने वाली टीम का फिनाले में मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला, 10 नवंबर को होगी फाइनल जंग।